हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट के नेम बताने वाली हूँ जो कि आपके पास पूरे साल रहते हैं। फूल इनमें फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट मंथ तक आपको फूल देते रहते हैं, मिनिमम नवंबर से दिसंबर तक। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इसलिए पूरा ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। फर्स्ट आप मेरे सामने देख रहे हो राखी बेल। फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ये फूल देती है बरसात में, और ये आपको नर्सरी में 150 की इस टाइम पर भी मिल जाएगी, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है। सर्दियों में बस इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं 2 मंथ के लिए, अदरवाइज़ ये पूरा साल अच्छे से ग्रो करती है। फूल इस टाइम पर इस पर खिलते हैं बहुत अच्छे, वैसे तो एक तो निकलते रहते हैं, लेकिन इस टाइम ज़्यादा खिलते हैं। पूरा दिन की धूप में आप इसको रखिए, और बेल होती है कहीं पर भी फैला भी सकते हो। सेकंड हमारा प्लांट है टिकोमा। ये टिकोमा जो वाइन होती है वही है, और इसके फूल आप देख सकते हो पर्पल कलर के फूल खिलते हैं इस पर, ऑरेंज कलर के, और पूरा दिन की धूप में आप इसको रख सकते हो। 100 रुपीज़ की नर्सरी में आपको मिल जाएगी। ये आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हो, और इसको आप इजी एयर लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हो। 9 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, और ये भी एक बेल ही होती है, इसको भी कहीं पर आप फैला सकते हो, बाउंड्री वगैरह पर, रेलिंग वगैरह पर। इस तरीके के इसके फूल होते हैं काफ़ी बड़े साइज के, इस टाइम पर जाकर खिलते हैं। सर्दियों में इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन गुच्छों में फूल आते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। मिट्टी का कोई इशू नहीं है, आप कैसी भी मिट्टी में इसको ग्रो कर सकते हो, बस थोड़ी अच्छी मिट्टी रखोगे तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारा गमेलिना। गमेलिना जो प्लांट होता है, गमेलिना फिलिपेंसी बोलते हैं इसको, इसके फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, और ये प्लांट आपको नर्सरी में 80 रुपीज़ का मिल जाता है। इसे भी आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हो और बीजों से भी तैयार कर सकते हो। ये भी एक बेल ही होती है, आप इसे भी कहीं पर फैलाकर अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हो, और सब पूरा दिन की धूप में ईजी ग्रो करेगी। 9 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, मिट्टी ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी लेनी है। नेक्स्ट है बुगनवेलिया। तो बुगनवेलिया भी इस टाइम पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन मैंने इसकी देखी कटिंग की हुई है, तो अभी इस पर फूल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये दूसरा प्लांट है हाइब्रिड बुगनवेलिया। इस पर आप देख सकते हो पर्पल कलर के फ्लावर हैं, और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। बुगनवेलिया जो प्लांट होते हैं काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं और परमानेंट प्लांट होते हैं। बुगनवेलिया को आप कटिंग से तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा टिकोमा प्लांट। टिकोमा वाइन भी होती हैं, प्लांट भी होते हैं। मेरे पास बहुत सारी वैरायटी हैं टिकोमा की, सर्दियों में फूल देते हैं, गर्मी में फूल देते हैं, अलग अलग इनके प्लांट होते हैं। ये येलो टिकोमा है, और इसी के पास ये ऑरेंज कलर के फूलों वाला भी टिकोमा ही है, और टिकोमा को भी आप कटिंग से इजी तैयार कर सकते हो। लेकिन अभी देखिए तूफान आया था, तो मेरे प्लांट के फूल ज़्यादातर झड़ चुके हैं, लेकिन इन पर इस टाइम पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। पूरा दिन की धूप में रखिए, केयर कैसे करनी है वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर चेक कर सकते हो कौन सी खाद आपको इसमें डालनी है, ताकि आपके प्लांट पर भी ढेरों फूल आ सकें। कटिंग से भी तैयार होता है, एयर लेयरिंग से भी। नेक्स्ट है हमारा चांदनी। ये डबल पेटल वाला चांदनी का प्लांट है हमारा, जिस पर डबल पेटल में फूल खिलते हैं। फूलों का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, एक चांदनी जो होता है उस पर छोटे फूल आते हैं, जो कि ये वाला आप मेरे सामने देख सकते हो। इसके फूलों की खुशबू बहुत अच्छी रहती है, कटिंग से इजी तैयार हो जाता है, पूरा दिन की धूप में रखिए, और ये प्लांट भी आपको नर्सरी में मिनिमम 50 से 60 रुपीज़ के ही मिल जाते हैं। इसके अलावा आप इनकी कटिंग जब लगा रहे हो तो कोकोपीट में अगर लगाओगे तो बहुत ही जल्दी तैयार होगी। ये होता है सिंगल पेटल वाला चांदनी, ये इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती है जितनी डबल पेटल वाले प्लांट में से खुशबू आती है। नेक्स्ट है हमारा एक्जोरा। एक्जोरा इस टाइम पर आपको नर्सरी में भी और आपके घर पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते दिखेंगे, और कलर भी इनके आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। 60 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 150-200 तक आपको एक्जोरा नर्सरी में मिलते हैं। कटिंग से भी आप इनको तैयार कर सकते हो, और एक्जोरा जो प्लांट होते हैं इनकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती हैं। देसी वैरायटी को आप धूप में रखिए, हाइब्रिड वैरायटी को 2 से 3 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर रखिए।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है हमारा हमेलिया बोलते हैं इसको। आप इसके फूल देख सकते हो, ऑरेंज कलर में बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी पत्तियां भी देखने में सुंदर लगती हैं और ये प्लांट आपको नर्सरी में सिर्फ 60 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसे कटिंग से भी तैयार कर सकते हो और ये ज़्यादातर से हैज बनाने के भी काम आता है। प्लांट 9 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, ग्रोथ बहुत अच्छी निकलेगी। नेक्स्ट है हमारे पोर्टूल का जो कि इस टाइम पर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं क्योंकि इन्हें धूप अच्छी चाहिए होती है और इन पर धूप पड़ते ही फूल खिलने लग जाते हैं। कटिंग से बहुत इजी तैयार होते हैं, प्लास्टिक बोतल में आप इनको लगा सकते हो। 20-20 रुपीज़ के नर्सरी में आपको बहुत सारे ही प्लांट मिल जाते हैं। वैसे अभी आपको ये नर्सरी में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, ये अप्रैल में ज़्यादा नर्सरी में आपको देखने को मिलता है। इस टाइम पर अगर आपके पास है तो आप कटिंग इसकी लगा सकते हो, ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि इसकी कटिंग कभी ख़राब नहीं होती है। बस पानी आपको इसमें कम डालना रहता है, ज़्यादा पानी डालने की वजह से ये गल जाता है। नेक्स्ट है हमारा गुलाब। तो गुलाब की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, फूलों के कलर बहुत सारे होते हैं और इस टाइम पर ये एक बार क्योंकि हम इनकी अच्छी प्रूनिंग कर देते हैं फरवरी में, तो इस टाइम पर इन पर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी निकल कर आती है बरसात के सीज़न में। और ये प्लांट आपको 50 से 60 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 200-300 तक मिलेंगे क्योंकि गुलाब की जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी वैरायटी होती है। नेक्स्ट है हमारा रजनीगंधा। रजनीगंधा का भी ये फूलों का सीज़न होता है इस टाइम पर क्योंकि रजनीगंधा को बल्ब से तैयार किया जाता है और हम इनके मार्च अप्रैल में बल्ब लगाते हैं, इस टाइम तक जाकर इन पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट होता है। तो रजनीगंधा के फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये प्लांट आपको नर्सरी में 60 से 80 रुपीज़ के मिल जाते हैं, आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैन लिली। तो रैन लिली तो नाम ही इसका रैन लिली है, बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसे भी बल्ब से ही तैयार किया जाता है। एक बल्ब भी अगर आपको कहीं मिल गया तो आपके पास इसके बहुत सारे बल्ब तैयार हो जाएंगे। पूरा दिन की धूप में रखिए और 20 से 40 रुपीज़ का ही आपको रैन लिली मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा मधुमालती। मधुमालती तो एक परमानेंट प्लांट है, सर्दियों में बस थोड़ी इसकी ग्रोथ रुकती है लेकिन पूरी गर्मी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और फूलों की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। 60 से 150 तक ये आपको नर्सरी में मिल जाता है क्योंकि इसकी दो तरह की वैरायटी होती हैं, देसी और हाइब्रिड। हाइब्रिड आपको महंगी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा जरबेरा। तो मेरे पास तो जरबेरा अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है, फूल आप देख सकते हो कितने अच्छे निकले हुए हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है क्योंकि इस टाइम पर इनकी नाइट्रोजन इनको बहुत चाहिए होती है। नाइट्रोजन जैसे इनको मिलती है तो पत्ते इनके बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और नर्सरी में 150 का मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पेंटास। पेंटास के भी बहुत सारे फूलों के कलर आपको मिल जाते हैं और 60 रुपीज़ का ही आपको नर्सरी में मिल जाएगा। कटिंग से इजी तैयार होता है, आप इसे पूरा दिन की धूप में भी रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा आलमंडा। आलमंडा के 2-3 कलर आपको मिलते हैं, मेरे पास येलो कलर है, इसमें आपको पर्पल भी देखने को मिलता है। ये प्लांट ज़्यादातर आपको 150 या फिर 200 का मिलेगा, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। 9 से 10 इंच के पॉट में लगाइए, मिट्टी का कोई इशू नहीं है, आपके पास जैसी मिट्टी है आप ऐसी में ग्रो कर सकते हो। खाद बस आपको इसमें 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर डालनी होगी ताकि आपके प्लांट पर फ्लावरिंग अच्छी हो। फूलों का साइज आप देख सकते हो कितना बड़ा होता है, कटिंग से ये प्लांट ईजी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कनेर। कनेर ओलियंडर कई सारी वैरायटीज़ की होती हैं, इसमें आपको पिंक येलो वाइट देखने को मिलते हैं फूलों के कलर। प्राइस की बात करें तो 60 से 80 रुपीज़ के ही आपको ये नर्सरी में मिल जाएंगे। एक बार नर्सरी से ले आओगे तो उसके बाद आप इसे अपने घर पर इसके बीजों से भी कटिंग से भी इसका प्लांट तैयार कर सकते हो। मैंने इनको 9 से 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा प्राइड ऑफ इंडिया। इसके पिंक कलर के फ्लावर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और ये प्लांट आपको 60 रुपीज़ का नर्सरी में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिकन पिटोनिया, ओनली 20 रुपीज़ का नर्सरी में मिल जाएगा। फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, फूलों के बाद ही बीज बनता है, उस बीज से अपने घर पर तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्सस सेज, ओनली 60 रुपीज़ का मिलता है, पूरा दिन की धूप में आप इसको रख सकते हो। ये परमानेंट प्लांट है, सर्दी हो गर्मी हो हमेशा आपके गार्डन में रहेगा। ज़्यादा बारिश पड़ती है तो ज़्यादा फूल आते हैं, कम बारिश पड़ती है तो कम फूल आते हैं, लेकिन परमानेंट प्लांट है। नेक्स्ट हमारा अडेनियम। अडेनियम भी परमानेंट प्लांट है, सर्दी हो गर्मी हो हमेशा आपके गार्डन में रहता है, काफ़ी हार्डी एंड परमानेंट प्लांट है।
₹80 से स्टार्ट होकर ये आपको 500 तक 1000 तक की रेंज में नर्सरी में मिलता है और परमानेंट नर्सरी में मिलता है। अभी भी मिलेगा, सर्दी में भी गर्मी में भी हमेशा नर्सरी में आपको मिलते हैं। बस विंटर में इनका डोरमेंसी होता है, तो उस टाइम पर आप इनमें खाद कम डाला करें, पानी कम डाला करें, ताकि आपका प्लांट ख़राब ना हो। इनका कोटैक्स बहुत ही प्यारा लगता है। इन प्लांट की ज़्यादातर बोनसाई बनाई जाती है, छोटे से छोटे पॉट में भी ईजी ग्रो कर जाते हैं। कैना लिली प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, सर्दी हो गर्मी हो हमेशा आपके गार्डन में रहेगा। 100 रुपीज़ का आपको नर्सरी में मिलता है, लेकिन इसके पास से बेबी प्लांट निकलते हैं बहुत सारे, तो आप उन्हें निकाल कर कभी भी अलग करके अपने न्यू प्लांट तैयार कर सकते हो। इसका फूल भी काफ़ी प्यारा होता है और पत्तियों के कलर भी इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको नर्सरीज में मिल जाते हैं। कटिंग से भी ईजी तैयार होता है ये, और इसके नीचे जो बेबी प्लांट निकलते हैं आप उससे भी इसको तैयार कर सकते हो। धूप में भी ग्रो करता है, छाया में भी, ज़मीन में लगाइए, छोटे पॉट में लगाइए, कोई इशू नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।